Dear students, today we study about the advanced window toolkits, that is the MCQ base. Okay, so I prepare the total 27 questions for the component, container and applet. 15 is for AWD controls and 12 for this layout and the menus. So if you First, just understand this figure of these AWD controls. Okay, basic class is component, and this component class is a base class is the object. Okay, so it is the container. It derived the window and panel. Then panel is derived the applet. Then window frame and dialog is derived from this window. अभी basic hierarchy एक थोड़ा सा important है. यहाँ पे component, उसके बाद में container, फिर container में दो आपके basic type है, एक window है, एक panel है. विंडो में फ्रेम है और एक डायलॉग बॉक्स है, और पैनल इज डिराइव्ड द एप्लेट वन. तो दिस थ्योरी इज इम्पॉर्टेंट वन. देन वी स्टार्ट द एमसीक्यू. हाँ, वी स्टार्ट द एमसीक्यू. ओके, सो द फर्स्ट एमसीक्यू इज द गिव द एब्रिविएशन ऑफ दिस AWD. Applet windowing toolkit, abstract windowing toolkit, absolute windowing toolkit, and none of the above. So guess it. The correct answer one is the abstract windowing toolkit. Okay, it's very simple one, abstract windowing toolkit. In second one, which is the container that contains title bar and can have the menu bars. It can have other component like button, text field, panel, frame, window and container. Question क्या है? कौन सा container title bar और menu bar को contains करता है? तो यहाँ पे आपको मालूम है तो frame. Okay, frame is belongs in which from this window, और panel is belongs with the applet. So you guess for this correct one. Frame is the correct one. So frame is having the title bar and menu bar. Okay, it is very simple one. Third one is the which component in the AWD that contains the another component. A component like button, text field. So component जो क्लास है वो कौन से कंपोनेंट के बिलोंग करता है? विंडो, कंटेनर, पैनल, फ्रेम. अब मैंने आपको हायरार्की दिखाया था, तो हायरार्की का आप लॉजिक लगा के यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द करेक्ट वन. विंडो, कंटेनर, पैनल, फ्रेम. पैनल तो नहीं होगा, फ्रेम भी नहीं होगा, विंडो भी नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? कंटेनर. तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? कंटेनर. सो इट्स द वेरी सिंपल वन. AWD इज यूज फॉर GUI पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ट्रू और फॉल्स? तो GUI है क्योंकि हम उसमें यूज करते हैं पुश बटन्स वगैरह, तो इट इज द एब्सोल्युटली इट इज द ट्रू. करेक्ट आंसर इज द ट्रू. ओके, अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन आपको हार्ड चालू हो जाएंगे. तो विच क्लास प्रोवाइड द मेनी मेथड्स फॉर दिस ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग? अब ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग के लिए हमने कौन कौन से कौन सा पैकेज यूज करते हैं? तो जनरली आपको ऑप्शंस देखिए, java.ewt, java.graphics, java.ewt.graphics, none of the above. तो यू गेस एंड द करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज द java.ewt.graphics. तो
ये एक आंसर आपको क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कैसा था, जावा डॉट AWT, जावा डॉट ग्राफिक्स, तो ऑप्शंस में भी इनकरेक्ट, बट यू हैव टू चूज द करेक्ट वन. ओके, सो देन नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड टू सेट द डायमेंशन ऑफ द कंपोनेंट. अब यहाँ पे देखिए, हम सेट लोकेशन, सेट साइज, सेट बाउंड्स, नन ऑफ द अबव. अब हमने सेट बाउंड्स, सेट साइज, सेट लोकेशन, तो गेस इट, आई थिंक यू गेस इट, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सेट साइज. सेट साइज मेथड इज व्हाट इज यूज इज टू सेट द डायमेंशन. ओके, द पैनल क्लास इंप्लीमेंट. अब पैनल क्लास किसको इंप्लीमेंट करता है, कंटेनर, विंडो, फ्रेम, नन ऑफ द अबव. कंटेनर, विंडो, फ्रेम, नन ऑफ द अबव, तो आई थिंक यू गेस इट, एंड द करेक्ट आंसर इज कंटेनर. मैंने हायरार्की दिखा दिया आपको, कंपोनेंट उसके बाद में कंटेनर. Okay, the method is used to set the title of the frame. कौन सा method है title set करने के लिए, get title, set visible. तो frame का जो method है वो कौन सा है, set title. तो I think you guess it, the correct answer is set title. इसके बाद में, which of the following method इज यूज टू मेक द फ्रेम विजिबल और इनविजिबल. तो इसमें मेथड कौन कौन से, सेट विजिबल, गेट विजिबल, विंडो क्लोजिंग, बोथ ए एंड बी. तो करेक्ट आंसर कौन सा है, वेन डू यू वॉन्ट टू बी फ्रेम विजिबल और इनविजिबल, इट्स अ वेरी सिंपल वन, एंड यू गेस इट, द करेक्ट आंसर इज सेट विजिबल. आप देते हो कि सेट विजिबल, फ्रेम डॉट सेट विजिबल, ट्रू और फॉल्स, इफ ट्रू देन इट इज द विजिबल, फॉल्स इट इज द इनविजिबल. सो नेक्स्ट वन इज, विच वन इज द ब्लैंक विंडो वी कैन ड्रॉ द डिफरेंट ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट, पैनल, फ्रेम, कैनवास, नन ऑफ द अबव. तो ब्लैंक विंडो कौन सा है, फ्रेम नहीं हो सकता, पैनल नहीं हो सकता, कैनवास हो सकता है. तो आप आंसर कौन सा है, which one is the correct answer, canvas is the correct answer. Okay, so next one is, before we try the applet, then Java is installed properly, whether do you want to be check whether the Java browser is installed or not, then how which tool is support for this, to viewer, applet viewer, applet tuner or browser viewer. तो मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर इज एप्लेट व्यूअर, क्योंकि हम ब्राउज़र चेक है कि नहीं चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एप्लेट व्यूअर कमांड प्रॉम्प्ट से देख सकते हैं देन ब्राउज़र इज अवेलेबल और नॉट. ओके, ब्राउज़र, एप्लेट व्यूअर. तो इफ़ यू रन द एप्लेट प्रोग्रामिंग देन दीज आर द स्टेप्स, क्रिएटिंग and executing applet class, applet tag, html file, building applet code, testing the applet code. You have to arrange this in a serial manner. तो पहले हम क्या करते हैं, पहला क्या रहता है हमारा, first हम dot java file बनाते हैं, उसके बाद में हम applet tag use करते हैं, html file बनाते हैं, test करते हैं, फिर बाद में हमारा डॉट क्लास फाइल एग्जीक्यूट होता है. तो ये इसका सीक्वेंस कौन सा है आप एक बार देख सकते हो, और द करेक्ट आंसर इज सी. ओके, द करेक्ट आंसर इज द सी. सी में क्या होता है, देखिए चौथा स्टेप डॉट जावा फाइल पहले होता है, उसके बाद में डॉट क्लास फाइल जनरेट होता है, उसके बाद में एप्लेट टैग होता है, उसके बाद में एचटीएमएल कोड होता है, फिर टेस्टिंग एप्लेट कोड. तो ये स्टेप्स इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद में ये ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, द एप्लेट्स
कैन कम्युनिकेट विथ अदर सर्विसेज ऑन द नेटवर्क्स, एपलेट कैन नॉट रन एनी प्रोग्राम फ्रॉम द लोकल कंप्यूटर. तो करेक्ट आंसर ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स. तो करेक्ट आंसर इज ओके एपलेट कैन ओके जस्ट गेस इट. ओके दे 14 क्वेश्चन. एपलेट क्लास इज द सब क्लास ऑफ द पैनल क्लास विच इज अगेन सब क्लास ऑफ दिस क्लास. एपलेट क्लास का सब क्लास कौन है? पैनल. ऑब्जेक्ट कंपोनेंट ए डब्ल्यू टी एंड कंटेनर. तो विच वन इज करेक्ट? एपलेट क्लास इज अ सब क्लास ऑफ द पैनल एंड विच इज अगेन सब क्लास ऑफ दिस डैट डैश क्लास. आई थिंक कंटेनर होना चाहिए. तो कंटेनर इज द करेक्ट आंसर. डैट डैश मेथड इज कॉल्ड द फर्स्ट टाइम एन एपलेट इज लोडेड इन टू द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर. INIT स्टार्ट स्टॉप डिस्ट्रॉय. एपलेट फर्स्ट क्या लोड करता है? आई थिंक INIT. INIT इज करेक्ट वन. अब यहाँ पे एपलेट कोड दिया है एपलेट क्लास का. तो विच वन इज करेक्ट? गेस इट. ABCD. आई थिंक यू गेस इट. विच वन इज करेक्ट? द करेक्ट वन इज द सी. सी में देखिए एपलेट कोड टेस्ट डॉट क्लास विड्थ और हाइट बराबर लिखा है. ओके देन विच क्लास इज द एब्स्ट्रैक्ट क्लास दैट रिप्रेजेंट द डिस्प्ले एरिया ऑफ द एपलेट. डिस्प्ले ग्राफिक्स टेक्स एरिया कौन सा बराबर है? डिस्प्ले एरिया ऑफ द एपलेट इज द ग्राफिक्स. ओके डिस्प्ले एरिया ऑफ द ग्राफिक्स कौन है? डिस्प्ले एरिया ऑफ द एपलेट इज द ग्राफिक्स. तो विच मेथड इज क्लियर द स्क्रीन बाय यूजिंग दिस पेंट मेथड? अपडेट, पेंट, रिपेंट, री अपडेट. अपडेट, पेंट, रिपेंट, री अपडेट. तो यू गेस इट? अपडेट. ओके द डैट डैश मेथड इज ऑटोमेटिकली फर्स्ट टाइम एपलेट इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन एंड एवरी टाइम एपलेट रिसीव्स द फोकस. अपडेट, पेंट, रिपेंट, री अपडेट. अपडेट, पेंट, रिपेंट, री अपडेट. पेंट. ओके पेंट इज द करेक्ट वन. यहाँ पे कोड दिया है तो विच इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड? सिंपल जीरा ट्रस्टिंग ए सिंपल एपलेट. तो ABCD. अब व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? ए सिंपल एपलेट. जावा प्लगइन सॉफ्टवेयर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द लाइफ साइकिल ऑफ द एपलेट. ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? जावा प्लगइन सॉफ्टवेयर इट इज द फॉल्स. विच अब यहाँ से थोड़ा सा कंटेनर कंपोनेंट के चालू होते. विच व्हाट आर द सब क्लासेस ऑफ द कंटेनर? विंडो पैनल, स्क्रोल पैन, स्क्रोल पैन वेक्टर स्ट्रिंग, थ्रेड वेक्टर स्ट्रिंग, एपलेट, आईनेट एड्रेस एंड वेक्टर. कंटेनर के सब क्लासेस कौन से है? वेक्टर तो नहीं है, आईनेट एड्रेस भी नहीं है. तो करेक्ट कौन सा है? विंडो पैनल एंड स्क्रोल पैन. ओके विच क्लास प्रोवाइड द मेनी मेथड्स फॉर द ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग? तो ये हमने देखा है ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा है? java.awt.graphics. java.awt.graphics. देन कॉमनली दीज आर द फोर मेथड्स कॉमनली यूज. एड, सेट साइज, सेट लेआउट, सेट विजिबल. ये हम किसके लिए यूज करते हैं? ग्राफिक्स कंपोनेंट ए एंड बी नन ऑफ द अबव. तो ऐड मेथड का कहाँ यूज करते हैं? हम कंपोनेंट में. तो कौन सा होना चाहिए करेक्ट आंसर? कंपोनेंट क्लास. बी इज द करेक्ट आंसर. व्हाट मेथड्स इज यूज टू डिफाइन द लेआउट मैनेजर फॉर कंटेनर? सेट बॉर्डर, सेट बॉर्डर लेआउट, सेट पैनल, सेट लेआउट. अब लेआउट मैनेजर कंटेनर का सेट होने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? सेट लेआउट. सेट लेआउट इज द करेक्ट वन.
ओके, तो सेट लेआउट मेथड हम कंटेनर के लिए यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर कौन सा है यहाँ पे, सेट लेआउट। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत है ये, विच इज द कंटेनर डज नॉट कंटेन द टाइटल बार एंड मेनू बार, किसको टाइटल बार और मेनू बार नहीं है, विंडो का है, फ्रेम को है, कंटेनर को, पैनल को नहीं है मेरे ख्याल से। तो आप ऑप्शन पैनल इज द करेक्ट वन, पैनल इज द करेक्ट आंसर। विच फॉलोइंग क्लास आर नॉट डिराइव फ्रॉम दिस कंपोनेंट क्लास, कंपोनेंट क्लास में से कौन सा क्लास डिराइव नहीं हुआ है, कंटेनर, विंडो, लिस्ट, मेनू आइटम। तो आई थिंक मेनू आइटम इज द करेक्ट वन, सो गेस इट, गेस मेनू आइटम इज द करेक्ट वन। ओके, इन दिस वे वी कंप्लीट द 27 क्वेश्चंस ऑफ दिस कंपोनेंट एंड कंटेनर। देन वी टर्न टू द एमसीक्यू ऑफ दिस बटन लेवल चेक बॉक्स चेक क्रूज चॉइस स्क्रोल बार टेक्स्ट फील्ड एंड टेक्स्ट एरिया। ओके, विच इज द पैसिव कंट्रोल दैट डू नॉट सपोर्ट इंटरेक्ट विद दिस यूजर, चॉइस, लिस्ट, लेबल, चेकबॉक्स, पैसिव कंट्रोल कौन सा है, सेलेक्ट करेक्ट वन, लेबल इज द पैसिव कंट्रोल। ओके, विच इज द मेथड टू सेट द चेंज द टेक्स्ट इन द लेबल, सेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट, ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, सेट एंड चेंज, गेट एंड सेट, सेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट, आई थिंक सी इज द करेक्ट वन। तो टू सेट एंड टू चेंज यहाँ पे कौन सा है, सेट टेक्स्ट, ई सेट टेक्स्ट इज द करेक्ट आंसर। विच इज द विच क्लास इज टू पॉप अप द लिस्ट ऑफ द आइटम्स फ्रॉम विच यूजर मे चूज, लिस्ट, चॉइस, लेबल, चेकबॉक्स, पॉपअप लिस्ट, पॉपअप लिस्ट किसको है, चॉइस, चॉइस इज द करेक्ट आंसर। Which object is constructed to show the number of the choices visible to show, label, choice, list, checkbox, क्या पूछा है, number of the choice किस में है, list या choice में, confused मत होइए, correct answer is the list, correct answer is the list। Which method is to count the number of the items in the list, तो get item, get selected item, get item count, get count, तो काउंट द नंबर ऑफ आइटम्स, गेट आइटम काउंट, गेट आइटम काउंट इज द करेक्ट आंसर। विच क्लास इज यूज टू रिप्रेजेंट द सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स फॉर दिस पासवर्ड, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, लेबल, चेकबॉक्स, पासवर्ड हम किस में ऐड करते हैं, चेकबॉक्स में, सिंगल लाइन, तो करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, ए और बी, आई थिंक इट इज द करेक्ट वन इज द ए, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड में हम पासवर्ड डालते हैं, तो सिंगल लाइन मल्टी एंट्री। ओके, विच मेथड इज टू सेट द पासवर्ड, इसमें मेथड कौन सा है, सेट पासवर्ड कैरेक्टर, सेट इको कैर, सेट पास कैर, सेट इको कैरेक्टर, तो करेक्ट आंसर इज द सेट इको कैर, तो करेक्ट आंसर इज द सेट इको कैर। ओके, विच कंपोनेंट ऑफ द AWT इज द मल्टी चॉइस स्क्रोलिंग कंपोनेंट, लिस्ट, चॉइस, पैनल, टेक्स्ट एरिया, मल्टी चॉइस, लिस्ट और चॉइस, मल्टी चॉइस कौन सा है, लिस्ट, तो लिस्ट इज द मल्टी चॉइस ऑप्शन। दैट डैश इज द पैसिव कंट्रोल, पैसिव कंट्रोल मालूम है आपको, अभी देखा था हमने, लेबल इज द पैसिव कंट्रोल। ओके, विच AWT कंपोनेंट इज नॉट एडिटेबल, अभी नॉट एडिटेबल कौन सा है, बटन, टेक्स्ट फील्ड, फ्लो लेआउट, लेबल, तो नॉट एडिटेबल में कौन सा हो जाएगा, नॉट एडिटेबल इज नॉट एडिटेबल इज द, यहाँ पे ऑप्शन तो मेरे ख्याल से लेबल ही होना चाहिए, एडिट। ओके, तो इज द, तो विच ऑफ दिस कंपोनेंट कैन नॉट एडेड टू द फ्रेम, फ्रेम में हम क्या क्या ऐड नहीं कर सकते हैं, लेबल, बटन, चेकबॉक्स, ग्रुप, ऑल ऑफ द अबव, I think it is a checkbox group is not added into a frame. Okay, which of these classes can be added to a container using add method? So button, checkbox, menu item, menu and menu bar. कौन सा है?
रेक्टेंगल इज अ बटन, हम बटन को इजीली ऐड कर सकते हैं कंटेनर में, बाकी मेनू मेनू बार को और चेकबॉक्स मेनू आइटम को नहीं कर सकते। ओके, विच मेथड रिटर्न द करंटली सिलेक्टेड आइटम्स इन द चॉइस? गेट सेलेक्टेड आइटम, गेट सेलेक्टेड आइटम मेथड्स रिटर्न द सेलेक्टेड, रिटर्न द करंटली सेलेक्टेड आइटम इन द चॉइस। ओके, गेट सेलेक्टेड आइटम। How many types of the controls does AWT support? 7, 6, 5, 8. It is the correct one is the 7. Okay. How many ways to align the label in the container? 1, 2, 3, 4. The correct one is the 3. Okay. 3 is the correct one. So, next one is the MCQ. With this public class menu bar extends. अब हम यहाँ पे देखिए कि layout manager menu menu bars dialog box file dialog पे हम थोड़ा सा question देखेंगे, कम है ये questions। ये menu bar extends, menu bar किसको extend करता है? menu component, menu container, component menu, menu bar। तो कौन सा है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन? मेनू कंपोनेंट। तो ये इम्पोर्टेंट है, मेनू कंपोनेंट, मेनू बार इसको एक्सटेंड करता है मेनू कंपोनेंट को। ओके, विच इज द करेक्ट कंस्ट्रक्टर? ग्रिड लेआउट, INTA, BCNT, गेस इट। विच इज द करेक्ट वन? I think you guess it. And the correct one is the grid layout, INT num rows, INT num columns. Means the B is the correct answer. The what are the types of the dialog box? Model dialog box, model modeless dialog box, modem, none of the above. The correct one is the model modeless dialog box. Okay, model modeless. Then which is the correct one is the for flow layout. Flow layout के लिए correct कौन सा है? Stantens. Okay, flow layout can use the multiple rows. If the horizontal space in the container is too small to hold the component, or flow layout is the default layout of the panel and applet. B तो correct है, A भी correct है, तो answer is the A and B is the correct answer. Which is the position of the component? 5 region, east, west, north, east. किसके लिए? Card layout, border layout, grid layout, flow layout. I think it is the correct one is the border layout is the correct one. It's having the 5 region, east, west, south, north and center. Okay, the border layout is the correct one. The default layout of the frame, window and dialog box. देखिए लेआउट मैनेजर में डिफॉल्ट लेआउट फ्रेम विंडो डायलॉग बॉक्स को कौन सा है? तो फ्लो लेआउट, बॉर्डर लेआउट, ग्रिड लेआउट, कार्ड लेआउट। तो फ्लो लेआउट किसको था? एप्लेट को, एप्लेट और पैनल को। और फ्रेम विंडो और बॉर्डर को फ्लो डिफॉल्ट लेआउट कौन सा होगा? बॉर्डर लेआउट। बॉर्डर लेआउट किसको है? फ्रेम विंडो एंड डायलॉग को। और एप्लेट को कौन सा है? एप्लेट और पैनल को फ्लो लेआउट। ये इंपॉर्टेंट है। विच मेथड इज प्लेस मेनू यम इनटू मेनू बार? करेक्ट सिंटैक्स क्या है? करेक्ट सिंटैक्स आई थिंक इट इज द सी, mb.add m। ओके, इज द करेक्ट सिंटैक्स। विच इज द डिफॉल्ट लेआउट एप्लेट? कौन सा? अब भी हमने बोला था पैनल और एप्लेट को कौन सा डिफॉल्ट लेआउट है? इज द फ्लो लेआउट। ओके, फ्लो लेआउट। लेआउट मैनेजर सब क्लास ऑफ दिस विंडो, विच लेआउट मैनेजर फॉर द सब क्लास ऑफ दिस विंडो? कार्ड, ग्रिड, कार्ड, फ्लो एंड बॉर्डर। विंडो के लिए कौन सा आएगा? बॉर्डर लेआउट, अभी बोला है मैंने बॉर्डर लेआउट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स रिटर्न टू द करंट टाइटल ऑफ द मेनू आइटम? सेट लेबल, गेट लेबल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। ओके, बोथ ए एंड बी। ओके,
तो करंट टाइटल हम मेनू आइटम को सेट लेवल या गेट लेवल से कर सकते हैं, तो सी इज द करेक्ट वन। ओके देन आई थिंक हमारे क्वेश्चन, जावा क्लास इज टू अलाइन द कंपोनेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली अलाइन विद बेस लाइन, ग्रिड लेआउट, ग्रिड बैक लेआउट, बॉर्डर लेआउट और नन ऑफ द, तो आई थिंक नन ऑफ दिस करेक्ट वन इज द ग्रिड बैक लेआउट। देखिए ग्रिड बैक लेआउट इज टू अलाइन द कंपोनेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली अलाइन विद देयर बेस लाइन। सो कार्ड लेआउट इज यूज टू डिस्प्ले द स्पेसिफाइड कार्ड नेम इन द स्पेसिफाइड डे, शो प्रीवियस नेक्स्ट फर्स्ट, ये क्या होता है, आई थिंक इट इज द शो, शो इज द करेक्ट वन। तो विच लेआउट इज टू डिवाइड द फ्रेम इंटू फाइव एरियाज, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो अभी हम देखा है बॉर्डर लेआउट इज द करेक्ट वन। तो इन दिस वे वी कवर द क्वेश्चंस ऑफ दिस AWT एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई स्टॉप, थैंक यू।